हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 11 का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना वेक्टर्स का, इससे मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, सबसे पहली बात ही है। ठीक है, तो आज हम करने जा रहे हैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशंस। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के जो क्वेश्चंस हैं वो ट्वेल्थ में भी हैं, उसके जो क्वेश्चन आते रहते हैं ट्वेल्थ में भी आते हैं, पर जो कॉन्सेप्ट है ये स्टार्टिंग वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट है। तो स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसका मैं प्रूफ बताऊंगा आपको, ठीक है, पूरा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, यहाँ पे देखो, सपोज हमारे पास क्या है, पोजीशन वेक्टर, दिस इज पी, और ये क्या मान लो, ये मान लो क्यू, और इसका जो रिजल्टेंट है ये जाएगा आर, यहाँ होता है, ये पता ही है, ट्रायंगल इस तरह बनता है। ठीक है, तो ये ए और बी और सी मान लो। ठीक है, अब हम इसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, देखो इसमें हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, तो इसको मान लो पॉइंट डी, क्या मान लो डी, इसमें एक एंगल होगा, इसको मान लो बीटा और इसको एंगल मान लो थीटा। ये समझ में आ गया आपको। अब हमें प्रूफ, हमें निकालने के रिजल्टेंट, क्या निकालना है, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट हो जाएगा जो इसका, वो हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा। ये हमें प्रूफ कराना है, क्या कराना है, ये हमें प्रूफ कराना है। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ कराना है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक से। ठीक है, उसका प्रूफ करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं इन ट्राइंगल ए डी सी में। चलेगा ए डी सी में, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, क्या लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। तो यानी कि हमें पता है दिस इज़ अ हाइपोटेनस का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर, ये जाएगा कितना, ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर, क्या जाएगा, डी सी का स्क्वायर। अब हमें पता है ए डी कितना हो जाएगा, देखो ए डी हमें पता है ए बी प्लस बी डी, ए डी कितना है, ए बी प्लस बी डी है ना। ये देखो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी प्लस बी डी का होल स्क्वायर, क्योंकि ए डी में होल स्क्वायर था। अब डी सी देखो, डी सी तो डी सी स्क्वायर ही रहेगा, क्या रहेगा, ऐसे ही रहेगा। अब इसका ए प्लस बी की आइडेंटिटी तुम्हें आती है, ए बी स्क्वायर बी डी स्क्वायर डॉट टू ए बी डॉट बी डी प्लस डी सी का स्क्वायर। ठीक है, ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन है, क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है। अब देखो छोटे वाले ट्रायंगल में चलो, इन ट्रायंगल बी सी डी में, इन ट्रायंगल बी सी डी में चलो, बी सी डी में पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, तो हमें क्या मिल जाएगा, बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, सेकंड इक्वेशन आ गई, क्या आ गई, सेकंड इक्वेशन आ गई। अब देखो जो ऊपर वाली इक्वेशन में है, बी डी स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर, बी डी स्क्वायर प्लस सी डी डी सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर। तो हम ये जो वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे किस पे, इक्वेशन फर्स्ट में, सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन सेकंड वैल्यू इन फर्स्ट। अब देखो कैसे, ये बन जाएगा ए सी स्क्वायर, क्या बन जाएगा, ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर। अब देखो बी डी प्लस डी सी की जगह क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा, क्या जाएगा, बी सी का स्क्वायर, क्या जाएगा, बी सी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आगे क्या होगा, डॉट टू ए बी डॉट बी डी, ठीक है, बी डी हो जाएगा। ये समझ में आ गया। अब देखो हमें क्या करना है, अब हमें पता है ए सी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए सी इक्वल्स टू आर, क्या है, आर। ए बी कितना है, ए बी है पी, कितना है, पी। बी सी कितना है, देखो डायग्राम में देखो बी सी कितना है, बी सी हमारे पास कितना है, क्यू है, क्या है, क्यू है। अब हमें क्या करना है, बी डी, बी डी चाहिए, तो बी डी हम कैसे लाएंगे, कॉस कैसे निकालेंगे, इन ट्राइंगल
बी सी डी में लगा देंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू हमारे पास कहता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है? बी डी है, और हाइपोटेनियस क्या है? क्यू है। क्या है? क्यू। तो बी डी इक्वल टू हो जाएगा क्यू कॉस थीटा इक्वल टू बी डी। तो बी डी की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई है, ठीक है। तो अब देखो एसी की जगह क्या रखेंगे? आर। डायग्राम में देखो एसी की जगह रखेंगे आर स्क्वायर, ठीक है। एबी की जगह रखेंगे पी, बीसी की जगह रखेंगे क्यू, क्यू स्क्वायर टू एबी की जगह रखेंगे पी, ये देखो पी रख दिया। बीडी की जगह रखेंगे क्यू कॉस थीटा, क्या रखेंगे? क्यू कॉस थीटा, क्यू कॉस थीटा। इतना समझ में आ गया? अब एक लाइन रब करनी पड़ेगी, ठीक है। बोल्ट पूरा फुल हो चुका है, ठीक है। ऊपर का मिटा देते हैं। इसको भी मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा। अब ये हमारे पास क्या है? आर स्क्वायर इक्व टू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डॉट टू पी क्यू कॉस थीटा। तो ये आ गया हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आ गया। क्या आ गया? ये निकालना था, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब हम निकालेंगे किसकी? डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड। क्या निकालेंगे? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट निकालेंगे हम, ठीक है। तो उसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे वो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो देखो अब पॉइंट, अब समझो इसका काम हो गया, ये निकल गया पूरा। अब देखो कैसे कैसे होगा। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, टेन बीटा लगा देंगे। क्या लगा देंगे? टेन बीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना टेन थीटा का, तो सी डी बेस कितना हमारे पास? बेड है ए बी प्लस बी डी, ए बी प्लस बी डी। ये समझ में आ गया आपको? अब देखो क्या करना है, सी डी हमें पता है, सी डी हमें निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो सी डी कैसे निकलेगा? फिर से चलेंगे इन ट्राइंगल बी सी डी में, चलेंगे इन ट्राइंगल बी सी डी में, चलेंगे क्या चलेंगे? बी सी डी में। देखो बी सी डी में चलेंगे, तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास सी डी है, और हाइपोटेनियस हमारे पास क्या? क्यू है। क्या है? क्यू है। तो क्यू साइन थीटा इक्वल टू सी डी। क्या आ गया? सी डी, ठीक है। तो देखो हमें पता है सी डी कितना है, अभी निकाला। क्यू साइन थीटा क्या है? क्यू साइन थीटा। ए बी पता है कितना है, ए बी डायग्राम में देख लो हमारे पास ए बी है पी। क्या है? पी। और बी डी हमने निकाला था क्यू कॉस थीटा। क्या निकाला था? क्यू कॉस थीटा, क्यू कॉस थीटा। तो ये हमारे पास टेन बीटा, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट हमने निकाल दिया, तो ये हमारे पास कंप्लीट फॉर्मूला है। और ये डेरिवेशन क्या होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके न्यूमेरिकल्स, ठीक है, वेक्टर्स के जो क्वेश्चन है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँ आपका। थैंक यू आज के लिए।